दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं यो राजभवन का जो ट्राई जंक्शन में। दरअसल आज जो है भारत वर्ष में पूरा कांग्रेस जो भारत का जो कांग्रेस है ये जो है हर जगह में हर स्टेट में जो है राजभवन जैसे जगहों को घेराव आंदोलन आज कर रहा है। कारण ये है कि जो देश में जो है लगातार जो गैस के सिलेंडर का जो दाम है उसका बढ़ोतरी, उसके बाद जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी को लेकर के, उसके बाद अग्निपथ स्कीम को लेकर के उस चीज़ को लगातार, उसके बाद बेरोजगार दिन ब दिन बेरोजगार बढ़ रहा है, इन चीज़ों को लेकर के लगातार जो है देश भर में कांग्रेस के कमिटी द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा जगह जगह पर जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम जहाँ पर मौजूद है ये दरअसल अरुणाचल प्रदेश का कांग्रेस कमेटी है। इन्होंने आज राजभवन घेराव आंदोलन छेड़ा था, लेकिन आपको बता दूं अभी हाईवे के सामने हम लोग मौजूद है क्योंकि उनको राजभवन तक पहुंचने के लिए जगह नहीं दिया गया था। कारण ये है कि आप ऊपर में कैमरा पर्सन से कहूँगा, अगर आप दिखाते हैं तो जितना यहाँ पर आंदोलनकारी है उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है सेना की तैनाती की गई है ताकि यहाँ पर कोई अनहोनी घटना ना हो, इसे आप देख सकते हैं। और ये जितने लोग अभी आप देख रहे हैं ये जो है जो आज का आंदोलन में है भाग ले रहा है, और अब यह देखना ये अभी हम यहाँ से लोगों से भी जानेंगे कि इन लोगों का मुद्दा क्या है कि यहाँ पर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा देखा जा रहा है कि जो विपक्ष का जो काम होता है विपक्ष का काम को निभाते हुए भी नहीं देखा जाता है। ऐसे भी बहुत सारे जनता की तरफ से सवाल उठता है कि जब असेंबली होता है उस समय विपक्ष की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाया जाता है, तो इसको लेकर के लगातार जो है अरुणाचल के जनता भी ये पूछते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो विपक्ष है वो कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि दरअसल अरुणाचल प्रदेश में अभी बीजेपी का सरकार जो पिछले 6 सालों से यहाँ पर अरुणाचल को शासन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमेशा इस बात को जिक्र किया जाता है कि जो पेट्रोल का जो दाम है, डीजल का जो दाम है, गैस सिलेंडर का दाम है, उसके बाद वो बेरोजगार को लेकर के यहाँ पर लगातार ये लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज हम इन्हीं से जानेंगे कि आज का जो राजभवन जो घेराव है आंदोलन का मकसद क्या है, उनसे हम लोग सीधा पूछेंगे। यहाँ पर लोग हैं उनसे हम लोग एक एक करके पूछेंगे। यहाँ पर जैसे कि ये आपका नाम तारजोनी, ये आज का ये राजभवन घेराव आंदोलन किसको लेकर के आप लोग मुद्दा उठाया हुआ है? आज हमारा कांग्रेस पार्टी का ये राजभवन घेराव ये महंगाई को लेके, जीएसटी को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके और अग्निपथ स्कीम को लेके आज राजभवन घेराव किया था। ऐसे तो बाकी आपने तो बहुत सारे मीडिया में कह दिया, लेकिन आपसे मैं डायरेक्ट सवाल ये करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में विपक्ष का जो काम होता है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे भी आवाज उठता है कि जब सरकार के, केंद्र सरकार के तरफ से नेशनल हेराल्ड जैसे केस या फिर ईडी का जो छापा माना इसको लेकर के कांग्रेस बाहर निकलता है, लेकिन अरुणाचल की जब हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा का, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर के कांग्रेस कभी यहाँ पर धरना करते हुए, आंदोलन करते हुए दिखाई नहीं देता है। तो अभी हाल ही में ईडी में जब राहुल गांधी को बुलाया गया था उसको लेकर के अभी कांग्रेस उसको मुद्दा बनाते हुए आगे चल रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कभी शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर के आप लोगों का आवाज उठाया तो हमको नजर नहीं आता है, और इसमें विपक्ष काम को निभाते हुए नजर नहीं आ रहा है, इस विषय में आपका क्या राय है? ये हमारा कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी है, सिर्फ आज की बात नहीं है, जब जब सरकार पे नहीं रहता है कांग्रेस पार्टी इंडिया एज ए होल में एक सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी होता है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो भी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करते कांग्रेस पार्टी ही करता है। हाँ, रही बात हमारा स्टेट राज्य में जो शिक्षा को लेके, हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज जो है, हाँ शायद पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाया होगा। उसका रीज़न ये भी है कि बहुत सारा हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, वो अपना इश्यूज को कभी एजुकेशन सेक्टर को लेके, कभी हेल्थ सेक्टर को लेके आवाज़ उठाते रहते हैं। तो जो आवाज़ हमारे एनजीओ लोग, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग उठाते हैं उसको कांग्रेस पार्टी कभी बीच में इंटरफेरेंस नहीं करता है। फिर भी कांग्रेस पार्टी एज ए ओपोजिशन पार्टी इशू को प्रायोरिटी बेसिस पे रख के जब मेजर इश्यूज आता है हमेशा कदम उठाता है। ये आज की बात जो है महंगाई को लेके जो आम जनता के खिलाफ है, जो ये आज जीएसटी जो खिलाफ आज हम ये राजभवन घेराव कर रहा है ये भी जनता के खिलाफ सरकार ने नीति बनाया था। अनएम्प्लॉयमेंट भी ये जनता का आवाज़ है, जनता के इश्यूज है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे अपोजिशन पार्टी हमेशा एक्टिव रहा है, वाइब्रेंट रहा है। हाँ, हालांकि हमारा स्टेट में अभी कुछ साल पहले थोड़ा इनएक्टिव रहा होगा क्योंकि इलेक्शन के बाद जनता ने हमारा कांग्रेस पार्टी को पूरा जोर से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी करा करने के लिए मैंडेट नहीं किया। 4 MLA सिर्फ आउट ऑफ 60 असेंबली सीट 4 MLA सिर्फ जीता यहाँ, तो उसमें शायद हमारा कांग्रेस पार्टी थोड़ा मॉरली डिमोरलाइज हो गया। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारा कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी। तो आज जैसे इश्यूज को लेके, जीएसटी महंगाई या प्राइस राइज को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट के लेके जैसे आज इश्यूज बना के आ रहे हैं, आगे जाके आने वाला समय में ऐसे मेजर इश्यूज को जो आम जनता के हित के लिए है उसको हम उठाते रहेंगे।
भाजपा और भाजपा का सहयोग दल ये कह रहा है कि राहुल गांधी को ईडी में बुलाए जाने के विरोध में आप लोग ये कर रहे हैं, इस विषय में आपका क्या राय है? एक्चुअली ईडी की जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को समन किया, जो बुला के ऑफिस में जो क्वेश्चनिंग जो सवाल जवाब कर रहा है, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी अपना ताकत लगा के दोबारा से उभरना चाहता है, उभरने का कोशिश प्रयास में है। तो वो प्रयास को जब कांग्रेस पार्टी का ताकत को दिख रहा था, बीजेपी सरकार ने उसको कमजोर करने के लिए ईडी को अपना एक जरिया बनाया है, गलत तरीका से एक गवर्नमेंट मशीनरी को बीजेपी सरकार ने यूज करके हमारा नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर ये एक सजा दिया है, मतलब एक तकलीफ दिया है। और ये कांग्रेस पार्टी नीति को अच्छी तरह से उन लोगों को लीड अप नहीं कराने के लिए ये कमजोर कराने की एक चाल है। अग्निपथ स्कीम को पूरा भारतवर्ष के लोग ये मान रहा है कि ये कम से कम जो नौजवान जो यूथ है, जो बेरोजगार यूथ है, उसको जो कहीं ना कहीं सेना में भर्ती होने का एक मौका दिया जा रहा है और ये एक अच्छा स्कीम है। ये भारत सरकार की तरफ से और भाजपा के सहयोग दल से ये कहा जा रहा है और ये स्कीम जो है बहुत अच्छा है, तो कांग्रेस पार्टी इस स्कीम को विरोध क्यों कर रहा है, कारण क्या है? तो बीजेपी सरकार को हम ये सवाल करते हैं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रथम बार प्रधानमंत्री जब बना था, उसने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रुपये नौकरी का वो वैकेंसी पैदा करेगा। अभी उसका सरकार आठ साल होने को है, 8 साल हो गया, 2 करोड़ चोरी है। अभी एज पर रिसेंट रिपोर्ट सिर्फ 7 लाख के करीब सिर्फ अपॉइंटमेंट वैकेंसी पैदा किया है। जो 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ की नौकरी आज 8 साल में गिना जाए, 16 करोड़ नौकरी देना चाहिए था, वो तो दिया नहीं है। वो मुद्दा को बतकाने के लिए टू डाइवर्ट द मेन इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया। ये अग्निपथ स्कीम जो है एक हमारा यूथ को गुमराह करने के लिए, जो पढ़ाई लिखाई आज के दिन में बिना एजुकेशन का भविष्य कुछ बनता नहीं है, पढ़ाई लिखाई साथ देने के वजह क्या कर रहे हैं, ये अग्निपथ का नाम दे के, अग्निवीर का नाम दे के हमारे यूथ को गुमराह कर रहे हैं। और हाल ही में ये खबर भी आया कि क्लास 10 पास होकर जो अग्निवीर में जो भर्ती होगा, अग्निपथ में जो भर्ती होगा, उसको 12वीं कक्षा की सर्टिफिकेट मिलेगा। ये अनाउंस किया है ट्रू नेशनल ओपन स्कूलिंग। ये अनाउंसमेंट को हम एक मर्डर ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी हम ये मानते हैं। विदाउट एजुकेशन, विदाउट प्रॉपर एजुकेशन, बिना किताब कलम के पढ़ाई लिखाई करके आप कैसे 12 पास के सर्टिफिकेट दे सकता है? तो मतलब इसका मतलब ये समझा जाए कि आपका मुताबिक अग्निपथ स्कीम जो है देश को गुमराह कर रहा है। अग्निपथ जो है पूरा देश को गुमराह कर रहा है, खास करके हमारा यूथ, आने वाला पीढ़ी को ये गुमराह कर रहा है, आने वाला समय में देश के लिए बहुत खतरा पैदा करेगा। चलिए अभी आप जब उधर मीडिया ब्रीफिंग करते समय ये भी बात कहा है कि जो हर घर तिरंगा है, इस तिरंगा जो हर घर तिरंगा का जो अभियान है इसको भी आप लोग नकारते हैं, इसमें क्या क्या आपका क्या मुद्दा है कि हर घर तिरंगा, क्योंकि एक देशभक्ति होने के नाते और देश का नागरिक होने के नाते 15 अगस्त, क्योंकि हम लोग जो है 75 साल पूरा हो गया है देश को आज़ादी मिलते हुए, तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से ये उठाया गया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए और ये अच्छा कदम है कि सभी को देशभक्त होने का मौका मिलेगा या फिर अपने घर में जो है तिरंगा लहराने का एक गर्व महसूस होने का मौका मिलेगा, इसको आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए आज के समय में मेन मुद्दा ये है महंगाई, मेन मुद्दा ये GST, मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। ये इशू को बतकाने के लिए, जनता को उस ध्यान से हटाने के लिए ये हर घर तिरंगा ये एक अनाउंसमेंट है। हर घर तिरंगा ये एक पेट्रोटिज्म दिल वाला के लिए एक ब्लैकमेलिंग है, हमारे आम जनता को ये एक पेट्रोटिक ब्लैकमेलिंग है। हर घर तिरंगा लगाना हमें कोई संकेत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता लगा सकता है। बट मेन मुद्दा को आप बीजेपी सरकार क्यों डिस्कस नहीं करते हैं? महंगाई को क्यों डिस्कस नहीं करता है? GST को क्यों डिस्कस नहीं करता है? अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्यों डिस्कस नहीं करता है? बतकाने का कोशिश कर रहा है। और हर घर तिरंगा के सवाल को लेकर हम देखिए आपको दिखाता हूँ, ये हर घर तिरंगा में सरकार ने हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ये भारतीय जनता राष्ट्रीय जनता को 25 रुपया में बिक रहा है, जनता को बात रहे 25 रुपया लेके करें। आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रही है जनता जो है, क्या भारतीय जनता इस प्रकार का होना चाहिए? क्वालिटी को देखिए आप, शेप एंड साइज को देखिए, क्या इसी तरह से राष्ट्रीय जनता को ये DC ऑफिस ईटानगर से लिया वाला है? इस तरह से क्या भारतीय राष्ट्रीय जनता को इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है? ये हमारे राष्ट्रीय जनता का ये बलात्कार हुआ है, ये हम मानता है, इसीलिए हम बीजेपी सरकार को निंदा करता है, कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता है। और ये रिक्वेस्ट करता है DC ऑफिस, DC डिप्यूटी कमिश्नर हमारे कैपिटल को तालो पुतिम जी से रिक्वेस्ट करता है, आपका ऑफिस से ये झंडा, पाता हुआ झंडा मिला है,
लो क्वालिटी ये जनता मिला है, जी 25 रुपया में मिला है। तो जिसने भी ये प्रोडक्शन को सप्लाई दिया है, ये जनता, भारतीय राष्ट्रीय जनता को सप्लाई दिया, उसका ऊपर में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। अगर डीसी डिप्टी कमिश्नर साहब स्टेप नहीं लेता है, हम यूथ कांग्रेस आगे निकल के डीसी ऑफिस तक हल्ला करने जाएंगे। तो आज का आपका जो है राजभवन घेराव जो कांग्रेस कमेटी ने रखा है अरुणाचल प्रदेश का, इसमें आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के हमारा राजभवन घेराव को लेकर हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ जो है आम जनता की आवाज़ है। आम जनता की दुख, आम जनता की तकलीफ को देख करके, महंगाई को देख करके, GST को देख करके, आप सबका आवाज़ बन के आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आया है, राजभवन घेराव के लिए निकल पर आए। तो इस संघर्ष में हम जनता को रिक्वेस्ट करता है, आने वाला समय में आप सब साथ दीजिए। आज कांग्रेस पार्टी जानता है और जनता की दुख तकलीफ को, अगर जनता के तकलीफ को समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी समझ सकता है। तो जनता को हम रिक्वेस्ट करता है, ये प्रार्थना करता है, आने वाला समय में हमारा सहयोग करें, हमारा साथ करें। चलिए, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये था यहाँ का यूथ जो अरुणाचल प्रदेश का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, और आपको बता दूं इनका मुद्दा यही है कि बेरोजगार को लेकर, उसके बाद जो हर घर तिरंगा को, तिरंगा जो अभियान है इसको सीधा नकारा है, क्योंकि जो तिरंगा यहाँ पर जो डीसी ऑफिस में मिल रहा है, ये जो है इसमें जो है भारतीय मजर राष्ट्र ध्वज को जो है अपमान किया जा रहा है, ऐसे उनका आरोप है। साथ ही साथ आपको बता दूं गैस के दाम के बढ़ोतरी, तेल के दाम के बढ़ोतरी को लेकर के ये लोग लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि जो भाजपा सरकार है ये कहीं ना कहीं इन मुद्दा को भटकाने के लिए हर घर तिरंगा जैसे अभियान को लॉन्च किया गया है, ताकि जो है जनता जो उसी जो मेन मुद्दा है उसके उसे भटक सके, ऐसे उन्होंने कहा है। और आने वाला समय में ये भी कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जनता है, खासकर जो महंगाई को लेकर के, इसको जनता को भी आगे आना चाहिए, ऐसे उनका ये आज आह्वान है। और ये लगातार ये बोल रहे हैं कि जो झंडा को यानी राष्ट्र ध्वज को जो बेचने का काम कर रहा है, इसको कड़ी निंदा करते हैं, खासकर जो डीसी ऑफिस में मिल रहा है उसमें जो है राष्ट्र ध्वज को अपमान करते हुए नजर आ रहा है, ऐसे यहाँ का यूथ कांग्रेस का कहना है। और हम यहाँ से आप सभी के लिए अपडेट दे रहे थे, और आज जो है पूरे भारत वर्ष में कांग्रेस के तरफ से भाजपा सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये आवाज उठा रहा है कि सरकार जो है लोगों को भटकाने का काम कर रहा है, ऐसे उन लोगों का कहना है। आप सभी के लिए हम लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं जो राजभवन का जो ट्राई जंक्शन है, आज दरअसल राजभवन घर को घेराव करना था लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए यहां पर ट्राई जंक्शन यानी मेन हाईवे में कांग्रेस कमेटी यहां पर धरना के लिए बैठे थे। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुणभूमि, बने रहिए अरुणभूमि, हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।